गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसकी आपने वीडियो देखी है। अगर आपने बेटा वीडियो देखी है तो मींस आप सभी क्वेश्चन आंसर बड़े आराम से कर पाओगे, और अगर नहीं देखी तो बेटा वीडियो आप ज़रूर देख लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ इसकी एक्सरसाइज वर्कशीट वन, जो इंडानिका में है, 2, 3 और आपकी NCERT की एक्सरसाइज। तो वर्कशीट वन जिसके पास बुक है ठीक है, नहीं है तो ये आप देखो, मैंने इसको जूम करके देख लेना। विच ऑफ फॉलोइंग मटीरियल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वुड, देखो वुड तो नहीं, कभी सुनी है वुड की वायर्स। कोल, कोल को भी नहीं कर सकते। कॉपर, कॉपर इज अ मेटल, तो इसलिए हम इसकी वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कॉपर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और मरकरी, मरकरी आपको पता है मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल, तो लिक्विड होता है तो इसकी तो वायर वैसे नहीं हम ड्रॉ कर सकते। सेकंड क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज स्टोर इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कार्बन, कार्बन तो बड़े आराम से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस, मैंने आपको वीडियो में बताया था फास्फोरस इज वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक्सप्लोजिव होता है, दैट इज़ वाई फास्फोरस इज कैप्ड इन वाटर। इसके बाद आपका सल्फर, सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बनाता है, तो आंसर इज फास्फोरस। थर्ड क्वेश्चन, नेम द गैस दैट इज प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, तो आंसर इसमें हाइड्रोजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आता है H2SO4, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें आ ही नहीं सकती, तो इसमें आंसर आएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, व्हेन सम जिंक ग्रैनुल्स वर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट्स ब्लू कलर डिसअपीयर्ड आफ्टर सम टाइम दिस शो दैट। ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू होता है, जब ये जिंक के साथ वो करता है तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, क्यों, बिकॉज जिंक डिस्प्लेस सल्फेट फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सिर्फ क्या आ जाएगा ZnSO4+Cu, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आंसर इज दिस, तभी तो उसने कॉपर से सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है ए सॉल्यूशन ऑफ डैश इज यूज एन एंटीसेप्टिक, तो इसका आंसर है आयोडीन। ये मैंने जब आपको यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स करवाए थे तो मैंने आपको बताया था टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज एज एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन द वाउंड्स, तो ये बेटा इसका आंसर आएगा आयोडीन। ठीक है, अब इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, मेटल्स आर यूज इन मेकिंग बेल्स सिंस दे आर, मैंने आपको बताया था सोनोरस क्या होते हैं कि जब हम इनको हिट करते हैं किसी हैमर से तो इट विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, तो इसी प्रॉपर्टी हमारी होती है सोनोरिटी, तो मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग बेल्स सिंस दे आर सोनोरस। सेकंड है, दैट इज़ द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो मैं बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ मरकरी ऐसी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, अदरवाइज मेटल्स आर सॉलिड। इसी तरह ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो भी एक, मतलब एक सिंगल नॉन मेटल है जो लिक्विड है, अदरवाइज जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर आइदर गैशियस और सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको बार बार बताया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओनली ओनली ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट हालांकि नॉन मेटल है। ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डैश एक्वायर ग्रीन कोटिंग, ये भी आपको बताया था कि एक तो आयरन में रस्टिंग होती है जब हम इसको लेफ्ट करते हैं एक्सपोज, मतलब इसको ओपन में छोड़ते हैं, दूसरा कॉपर पे भी ग्रीन कोटिंग हो जाती है, तो आंसर इज कॉपर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक। वट आर एलिमेंट्स हाउ दे आर क्लासीफाइड, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, और मेटल को किस किस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर भेज चुकी हूँ, फिर भी चलो आपसे हम डिस्कस कर रही हैं। अब इसके बाद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए सब्सटेंस ए हैड नो एक्शन ऑन रेड लिटमस पेपर बट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, मीन्स जो ब्लू को रेड कर देता है तो एसिडिक ही होता है। तो एसिडिक किसके होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो इस सब्सटेंस ए मोस्टली लाइक टू बी मेटल और नॉन मेटल, तो इसका आंसर आएगा नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट्स योर आंसर, क्योंकि नॉन मेटल से जो है ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं, तो ये हमारा व्हाट इज रस्ट हाउ इट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है रस्ट, रस्ट क्या होता है आपका? मैंने आपको बताया था कि आयरन पर रस्टिंग हो जाती है। तो रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपियर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड इन द मोस्ट एयर। तो ये होता है आपका रस्ट। हाउ इज इट फॉर्म? इट इज फॉर्म व्हेन आयरन इज लेफ्ट इन लेफ्ट ओपन इन एयर एंड मॉइस्चर। ये बात बेटा ध्यान रखना, रस्टिंग के लिए दोनों कंडीशन रिक्वायर होती हैं, एक तो एयर प्लस वाटर। अगर ड्राई एयर होगी तो उस पर कोई असर नहीं होगा, ड्राई एयर कभी भी रस्टिंग नहीं करती। दूसरा, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है लेकिन एयर प्रेजेंट नहीं है तब भी रस्टिंग नहीं होती। तो बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। नेक्स्ट, व्हाई इज सोडियम मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन? ये भी मैंने बताया था, सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, तो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, और इसके रिएक्ट करने के बाद तो इसी वजह से हम इसको केरोसिन में रखते हैं ताकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना रहे एयर और वाटर से। वाई आर कुकिंग वेसल्स मेड अप ऑफ मेटल? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसी वजह से कुकिंग वेसल जो हैं हमारे मेटल्स के बने होते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस हार्डनेस मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सोनोरिटी। बेटा ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कहा है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे तब भी सेम आंसर है, और अगर आप ये हार्डनेस वगैरह तब भी आप बड़े आराम से कर पाओगे। अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या होता है? मेटल्स आर शाइनी और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर डल। हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड, सिर्फ पोटाशियम और जो सोडियम है वो सॉफ्ट है, अदरवाइज मेटल्स आर हार्ड, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट। मेलेबिलिटी, मेटल्स आर मेलेबल मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, और नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और मैंने आपको बताया था गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स मेटल्स आर हाईली सोनोरस और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इसके बाद स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर सॉलिड और नॉन मेटल है सॉलिड एंड गैशियस। अब विद द हेल्प ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें कुछ हम आयरन नेल्स डालेंगे, ठीक है, तो आयरन जो है इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट और कॉपर जो है ये एलोन हो जाएगा। तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट मींस आयरन आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसके लिए बेटा आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। इसके बाद है आपकी वर्कशीट टू, इसमें फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। मोस्ट ऑफ मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन बीइंग बीटन विद हैमर। फॉल्स है क्योंकि मेटल्स ब्रेक नहीं होती, मेटल्स तो क्या होती है या तो थिन शीट बनाएगी या कैन बी ड्रॉन इन टू वायर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी गलत है क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी हीट की भी दोनों की क्या होती है? गुड कंडक्टर। नॉन मेटल जनरली डोंट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करती, मेटल रिएक्ट करती हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर आपका नॉन मेटल है तो इसमें ऑक्साइड जो है दे आर एसिडिक इन नेचर, तो ब्लू लिटमस को ये रेड कर देंगी। सोडियम मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, ठीक है, डल होती है, मेटल शाइनी होती है और नॉन मेटल डल।
मोस्ट ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन आयरन नेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम इज कॉल्ड रस्टी. मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई हैं. सोडियम ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस गैस. कौन सी गैस होती है वो? हाइड्रोजन गैस. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हाउ डू मेटल डिफर फ्रॉम नॉन मेटल इन टर्म ऑफ लक्चर. पहले बता चुकी हूँ कि मेटल आर लस्चरस मीन्स शाइनी इन अपीयरेंस और नॉन मेटल्स आर डल मीन्स नॉन लस्चरस. अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. अब इसके बाद है वट इज मेटलॉइड. मेटलॉइड क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड. वट चेंज विल अ कॉपर प्लेट अंडरगो वेन लेफ्ट इन ओपन फॉर ए फ्यू डेज. तो ये आपको पता ही है कि जब हम कॉपर को कुछ टाइम के लिए ओपन में छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर एक्वायर ग्रीन कोटिंग ऑन देयर सरफेस मीन्स उसमें कोरोजन हो जाता है. वो ग्रीन सरफेस वो एक तरह से ऑक्साइड की लेयर बनती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोजन. तो ये क्या होता है? इट विल एक्वायर अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट सरफेस. हाउ डू मेटल रिएक्ट विद वाटर. ये भी बेटा आपको मैंने वीडियो में बताया था, जो मेटल होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है. मेटल प्लस वाटर, इसके बाद क्या बनेगा? या तो मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड. और इसके साथ कौन सी गैस आपकी प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस. अब इसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय मेटल. मेटल मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक. हाउ विल यू डिटेक्ट इट. हम क्या करेंगे? एक लिटमस पेपर लेंगे. लिटमस पेपर अगर ये ब्लू को रेड कर देती है तो मीन्स एसिडिक है, और अगर रेड को ब्लू कर देती है तो मीन्स बेसिक है. तो ये ब्लू को ये रेड को ही ब्लू करेंगे, इट मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इसमें कोई भी मेटल के हम दे देंगे, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन भेजूंगी, इसमें कोई भी हम जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस वाटर इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब इसके बाद है लिस्ट एनी फाइव यूजेज ऑफ मेटल. बेटा आपके एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी तरह से गिवन है. सबसे पहले तो क्या है? नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बींग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. क्योंकि ऑक्सीजन है वो हम ब्रीथ करते हैं, तो नॉन मेटल यानी कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. नॉन मेटल्स जैसे आपके नाइट्रोजन है इज यूज इन फर्टिलाइजर, और जो फर्टिलाइजर होते हैं दे इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नॉन मेटल्स जैसे आपका क्लोरीन इज यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन. नॉन मेटल जो यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन, ये आपका होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ये मैंने वीडियो में बताया था, ये क्या करते हैं? इट इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक. और नॉन मेटल जैसे आपका फास्फोरस है, इट इज़ यूज इन क्रैकर्स. ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स. अब इसके बाद व्हाट इज रस्ट ये बता चुकी हूँ, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड ये भी बता चुकी हूँ. स्टेट एनी थ्री वेज बाई विच फॉर्मेशन ऑफ रस्ट कैन बी प्रिवेंटेड. तो रस्ट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे एक तो कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद पेंट. आयरन आर्टिकल है अगर उस पर हम पेंट कर दें तो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर और मॉइस्चर से नहीं होगा. तो एक तो हम इसको आयरन आर्टिकल पे पेंट कर सकते हैं. दूसरा कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद ग्रीस. ग्रीस जो होता है मतलब क्या होता है, हमें आयरन का एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रोकना है. तो उसको रोकने से क्या होगा, वो एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो हमारी रस्टिंग रुक जाएगी. तीसरा होता है गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन क्या होता है? जिंक की एक कोटिंग हम आयरन के ऊपर करें, मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर. तो इस तरह से हम इसको मतलब तीन प्रोसेस है, कोटिंग आयरन आर्टिकल विद पेंट, कोटिंग आयरन आर्टिकल विद ग्रीस, और इसके बाद फोर्थ थर्ड प्रोसेस है आपका गैल्वनाइजेशन. अब वर्कशीट थ्री,
टेक थ्री बीकर्स एंड लेबल देम ए बी सी. ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी में 4.8 एक्टिविटी एज इट इज़ दिया हुआ है. तो इसमें आपने जैसे दिया है कि कॉपर है जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज ये बेटा क्या होता है, जो ज़्यादा एक्टिव है या कम एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं. तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको भेजूंगी. रस्टिंग ऑफ आयरन अनडिजायरेबल चेंज दैट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द ऑर एन ऑब्जेक्ट. इसमें तो बेटा कोई क्वेश्चन ही नहीं है. फाइंड आउट वे बाई विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, अभी भी बताया ना मैंने कि रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी में पहले तो बुक वर्क है. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग्स कैन बी बिटन इन टू थिन शीट. तो इसमें फास्फोरस सल्फर ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को तो हम बीट नहीं कर सकते, तो आंसर विल बी जिंक. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये गलत है. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये आपका आएगा क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो डक्टाइलिटी नहीं शो करते. तो थर्ड ऑप्शन इसका, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक, फास्फोरस इज डैश नॉन मेटल. ये मैंने आपको बार बार बताया फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, सो इट इज केप्ट इन वाटर. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ये बेटा सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. इसके बाद है ट्रू फॉल्स, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड. फॉल्स है क्योंकि मैंने बताया था कि नॉन मेटल ना तो वाटर से रिएक्ट करती है, ना एसिड से, ना बेस से. सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल सही है, सो इट इज़ केप्ट इन केरोसिन. कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सॉल्ट जिंक सल्फेट सोल्यूशन. ये गलत है क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता. कोल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, ये भी आपका फॉल्स है. अब फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपके डिफरेंसेस है, जैसे अपीयरेंस मेटल आर लस्चरस और ये नॉन मेटल डल है. ये बेटा मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, दोबारा ये मैं नहीं बताऊँगी. अब इसके बाद गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज मेलेबल एंड कैन बी बिटन इन टू थिन फॉयल्स. और जो थिन फॉयल है इट कीप द फूड फ्रेश एंड सॉफ्ट. इमर्शन रॉड्स फॉर ईटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इमर्शन रॉड जो मेनली गीजर में यूज होती हैं तो गुड कंडक्टर हैं, इस वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हैं, तो अपने अंदर से हीट भी पास होने देती है और इलेक्ट्रिसिटी भी. सो इमर्शन रॉड इसमें हम यूज़ करते हैं. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन कोरेसिन. ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, हालांकि उसमें सिर्फ सोडियम था, लेकिन मैंने बार बार बताया कि सोडियम और पोटेशियम बोथ आर केप्ट इन केरोसिन, ये बता चुकी हूँ. कैन यू स्टोर लेमन पिकल्स इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन. पता ही आपको कि मेटल रिएक्टिव होती हैं, तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज लेमन पिकल इज एसिडिक इन नेचर. और जो एसिड इन लेमन पिकल कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड इट विल रिबेट हाइड्रोजन. और ये जो हाइड्रोजन करेगा तो इससे क्या होगा, स्मेल भी आ जाएगी और हमारा जो पिकल है वो ख़राब भी हो जाएगा. दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग ऑफ पिकल और इरोडिंग ऑफ यूटेंसिल्स. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका मैच द फॉलोइंग है. गोल्ड, गोल्ड में आपका आएगा ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड हम ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं. आयरन, आयरन जो है मेनली मशीनरी में यूज़ होता है. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है आपका बताया मैंने, एल्यूमिनियम फॉल से हम फूड रैप करते हैं, तो आंसर आएगा रैपिंग फूड. कार्बन, कार्बन जो है कार्बन के जो कार्बन इज यूज एज फ्यूल. कॉपर, कॉपर जो है इलेक्ट्रिक ऑयल में यूज होता है बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद मरकरी, मरकरी, मरकरी जो है आपका मेनली थर्मामीटर में यूज होता है. अब इस क्वेश्चन नंबर 9, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्लेस्ड ऑन कॉपर प्लेट. अगर कंसनट्रेटेड होता तो भी रिएक्ट कर सकता था, लेकिन कॉपर है वो बहुत ज़्यादा हमारा रिएक्टिव नहीं है, तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा. आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आयरन नेल है जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इट डिस्प्लेस सल्फेट फ्रॉम इट कॉपर सॉल्ट.
तो बनेगा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन, स्लोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इन अ टेस्ट ट्यूब, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस तो आपको पता ही है कि आपको पता है चारकोल, चारकोल एक कार्बन का ही एलोट्रोप है, तो चारकोल ऑन बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मेनली एसिडिक होती है। कैसे फाउंड कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग लिटमस पेपर, इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो मीन्स इट इज़ एसिडिक। अब इसके बाद राइट डाउन इक्वेशन, सी प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलर शॉप विद हर मदर, हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, नेक्स्ट डे वेन दे बॉट द ज्वेलरी बैग दे फाउंड दैट देर वॉज ए स्लाइट लॉस इन इट्स रेट्स, कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट। तो इसका आंसर है बेटा, जो गोल्ड स्मिथ है इट मे हैव एक्वारिजा। अब एक्वारिजा क्या होता है, एक्वारिजा इज मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नोट कर लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है वो आपका वन पार्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो थ्री पार्ट्स होता है। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि दे कैन डिजोल्व गोल्ड। तो गोल्ड की जो लेयर है मे बी कि उसमें डिजोल्व हो गई, ठीक है, और दैट इज़ वाई देयर इज स्लाइट लॉस इन वेट ऑफ ज्वेलरी। तो इसका हम लिख सकते हैं गोल्ड स्मिथ माइट हैव यूज एक्वारिजा, एक्वारिजा ब्रैकेट में मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद एक्वारिजा कैन डिजोल्व गोल्ड, सो अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड माइट हैव डिजोल्व इन इट, दैट इज़ वाई देयर इज अ स्लाइट लॉस इन द वेट ऑफ ज्वेलरी। बेटा चलो, अब मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं और आपको मैंने सेंड भी किए हुए हैं, अब आपकी नोटबुक जो है कंप्लीट होनी चाहिए। और अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि मैम हमारे पास इंडेनिका की बुक नहीं है, आपको सब क्वेश्चन आंसर और सब वर्कशीट भेज रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ लिखने हैं, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके बच्चों।